पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता ने दिया है विवादित बयान और उनका ये बयान बताता है कि पीडीपी आतंकियों की हमदर्द है। उन्होंने न सिर्फ आतंकियों के मारे जाने की निंदा की है बल्कि ये दावा भी किया है कि वही नहीं बल्कि उनकी नेता महबूबा मुफ्ती भी आतंकियों के मारे जाने पर उनके परिवार वालों से मिलती रही हैं। किसी का चाहे वो सीआरपी का बंदा हो जो बहुत ही दूर से आया हो और अगर मुसलमान भी ना हो या कोई ऐसा बच्चा जो हमारा मिलिटेंट है वो मारा जाएगा, उसको ताजिद करने में कोई रुकावट नहीं। ये बयान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता रफी अहमद मीर का है। उनके इस बयान में साफ जाहिर होता है कि उनकी पार्टी के लिए सुरक्षा बलों या आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि पीडीपी की नजरों में आतंकवादी भी उनके अपने हैं। सोपोर में हुए आतंकी हमले को लेकर उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे डाला है जो आतंकवादियों को लेकर पीडीपी की नरमी को पेश करता है। पीडीपी के नजरिए से पुलिस या आतंकियों की मौत में कोई अंतर नहीं है। हमारे अपने बच्चे थे और जिनकी भी जान जाएगी, चाहे वो पुलिस फोर्स हो चाहे वो मिलिटेंट हो, ये बहुत ही इसकी निंदा करते हैं और बहुत ही अफसोस है। भले ही आतंकवादी जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि पीडीपी को उनसे बेहद हमदर्दी है। मीर तो साफ तौर पर ये दावा भी करते हैं कि महबूबा मुफ्ती मारे गए आतंकियों के परिवार से मिलती रही हैं। वो खुद भी ऐसे परिवारों से मिलने जाते हैं, उन्हें इसमें किसी तरह का कोई हर्ज महसूस नहीं होता। जब भी कहा कोई मिलिटेंट मारा गया वो हताजियत के लिए मैं भी जाता और हमारी जो उस वक्त प्रेजेंट थी वो भी जाती थी। आतंकियों के प्रति पीडीपी की हमदर्दी को हद नहीं तो और क्या कहेंगे, जो पार्टी सूबे में सरकार चला रही है जिस पर राज्य में अमन चैन कायम करने की जिम्मेदारी है, वही पार्टी अमन चैन बिगाड़ने वालों की हिमायत कर रही है। मीर ने बीजेपी के साथ सरकार चलाने की वजह से पीडीपी के समझौता करने का भी जिक्र किया है। यानी साफ है कि कहीं न कहीं बीजेपी के साथ होने की वजह से वो मजबूर है, नहीं तो आतंकियों को लेकर शायद उसका रुख और कहीं ज्यादा नर्म होता। आसिफ सुहाब, श्रीनगर, न्यूज 24।